अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एचपी न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। फलकनुमा पुलिस हदूद एमएस गार्डन के करीब गंजेटियों ने अबू बकर पर पंच और लाठियों से हमला करते हुए इन्हें शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया, जिसके चलते अबू बकर ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने ज़ख्मी अबू बकर को दवाखाना मुंतकिल किया। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। एचपी न्यूज़ के साथ और इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। मोहम्मद अक्सर कुरैशी है, मेरे बच्चे के ऊपर तीनों खुद अटैक हो गया है, जुलम करते रहे बच्चे, नशे में रहते, गोलियां उन्हें खा के, आज चाकुआ और पंचा मकर पहन के आगे अकेले पर अटैक करे, महिला में नाश्ता करके बाहर निकल के घर के पास अटैक करे। कहाँ पे हुआ अटैक? ये कुंटा में नाप साहब कुंटा एसआरटी नगर रस्ते गार्डन के बैक साइड। वजह क्या है सब अटैक करने में? साहब वो नशे में रहते लोग, इससे पहले भी मारे थे या फिर इसमें कंप्रोमाइज करे लोगों का जी, क्योंकि फिर अटैक चौथियों को अटैक हो गए, जुलम करते रहे लोग, बहुत जुलम करते रहे, खाते रहते चाकुआ लेके, खुदा ना करता कुछ होता था। के सी आर साहब, असद साहब, अकबर साहब, सबसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं, ये जो गुंडे जो शहर में जो खराबा कर रहे, ये तमाम लोगों को अरेस्ट करने लगा, ये जुलम कर दे रहे, नाहक लोगों को जाना चले जा रहे साहब। ये वजह क्या है सब अटैक करने की? साहब वजह क्या है? बच्चा मेरा जी पढ़ने वाला है, पढ़ता बच्चा मेरा, पढ़ता क्या पढ़ते हैं लोग? सेकेंड ईयर कर रहे हो जी, क्या नाम है इनका? इनका नाम मोहम्मद अबू बकर कुरैशी है जी। और जुलम कर दे रहे साहब, चाकुआ आँखों लेके आए थे, इससे खुदाना खस्ता पूछ रहे, मेरे बच्चे के ऊपर तीसरा चौथा अटैक है, उन्होंने अटैक करना। तो इससे पहले चार बार अटैक हुआ तो कंप्लेंट नहीं कराया? कंप्लेंट करे, कॉम्प्रोमाइज कर लिए उसे पी एस में लीडर वगैरह लेके आए थे जी। कोसा पी एस है यार, ये फलकनुमा पी एस। तो ये लास्ट टाइम कब हुआ था? ये 2 महीने हो गए जी, रमजान से पहले हुआ था। उन्होंने अटैक करने वाले कौन है? और क्या नाम है बुज्जू। टोटल कितने जने मिल के मारे? 5-6 जने मिले। अकेले को मारे इनको? अभी क्या हुआ इनको? मेरे पे भी अटैक करे, मैंने भेजा पी एस पी को, मेरे को मारे, मेरे भाई को मारे, इनको भी बताओ हाथ पे, इनको भी हाथ पे मार करे, उन्हें छुड़ाने गए तो इनको भी हाथ पे मारे, हाथ पे वार करे। कैसे मारे? अब फिर कंप्लेंट कराया आप? और कंप्लेंट लिखा, मिल चुकी भेजा था, पूरा मिल चुकी पेपर आए, जाके आ गया मिल चुकी, मिल चुकी जाके आए जी, दाता भी इनके दो इनके। अच्छा, कुछ जुलूम में जा रहा भाई, इसके खिलाफ जरा सजा रहा कुछ एस में जरा बोलिए, आप लोग मीडिया वाले आप लोग किस तरह को रहता बोल रहे, जुलूम में जा रहा पी एस से भी कुछ नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा पी एस से, आप देख लेके चले गए, अब तक उठा के नहीं ला रहा हूँ, नहीं लेके अभी तक उसकी भी नहीं लेके आए। क्या टाइम पे हुआ ये वाकई? ये हुआ 12 बजे के दरमियान, दिन में 12 बजे हुआ, अब तक यहाँ पी एस तो ही बैठे हुआ हूँ, 1 बजे फिर एक अटैक हुआ, जब मेयर को मारे इनको भाई को मारा। उन लोग के ऊपर कुछ केसेस है? वो लोग रोडी शीटर है, रोडी शीटर से कई लड़ाई झगड़े करा, हमारा बच्चा को कारोबार करके धंधे वाले, मैं बीमार आदमी हूँ, पेशेंट हूँ, मेरे को भी दखल दिए। कुछ आपस में दुश्मनी हुई है आप लोगों की? नहीं भाई, दुश्मनी नहीं हुई, ठीक है, बस रोडी के लिए हवा दिखाने आए थे, मेंटेन कर रहे हो आपकी बुजी, पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना? मेरे बच्चे का कोई केस नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कौन मेंटेन कर रहे कहेंगे वो लोग? पूरे टायर तो ऐसी है लोग एरिया में, और एरिया में जुलम करते इससे पहले 25 जने मिलते हमारे दिन पूरा मार कर चीजें दिन पे टाके लग गए थे, कॉम्प्रोमाइज कर लिए, लीडरों को ला रहे भाई लोग। पुलिस से क्या गुजारिश है? हिसाब से इसी की सबसे सख्त गुजारिश है, सख्त सख्त कानून का फायदा उठा के आप लोग मुजरिमों को अरेस्ट कीजिए, आप जुलम करते रहे हमारे ऊपर साहब, आपके उनसे गुजारिश है, डी सी पी साहब, एस पी साहब, चुप से ये ना हम लोग बिजनेस करने वाले कारोबार धंधा करने वालों को जुलम हो जा रहा था, बस्ती में गाँव के रहने वाले मेरे को भी अटैक करे, मेरे को ढकल दिए, हमारे भतीजे को भी ढकल दिए, ताकि साहब बेची होगी मतलब ने जिंदा होंगे, उसको भी गुप्त मारा पड़े, हमारे छोटे भाई के ऊपर भी हाथ उठाया, रात से कुछ मारे, स्टिक से पूरा अंगड़ा हाथी में क्या हुआ जी।